हेलो एवरीवन टीचिंग टॉक्स में आप सभी का स्वागत है तो देखिए हम हम सभी जे टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर अभी तक आपने जे टेट का सिलेबस नहीं देखा है तो अभी एक आई बटन में लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करके जे टेट का सिलेबस देख सकते हैं उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी बताए हुए हैं जो आपको कवर करने हैं और उन टॉपिक को कवर करके आप आसानी से जो टैट है उसे क्लियर कर सकते हैं तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश की इंग्लिश सेक्शन में एक टॉपिक है सब्सटीट्यूशन तो उसी से रिलेटेड एम सी क्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैंने फिफ्टी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन को लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी इसका आंसर होगा बी एनसियन सोसाइटी की स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी सेकंड क्वेश्चन ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड का आंसर होगा बी पॉलीएंड्री। फिफ्टी क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं तो जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं उसके आंसर बताऊंगी और साथ में मैं आपको इसका पी भी प्रोवाइड कर दूंगी असाइनमेंट का पी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में इसकी आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगी थर्ड क्वेश्चन है थिंग्स विच कैन नॉट वी रीड तो थिंग्स दैट कैन नॉट बी रीड उसका आंसर होगा थर्ड का ए इलीजिबल फोर्थ है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इसका आंसर रहेगा ओपेक द गवर्नमेंट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल इसका आंसर होगा लेजिस्लेटर बी सिक्स क्वेश्चन देखिए ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स तो सिक्स का आंसर होगा सी एरिस्टोक्रैकी सी सेवंथ क्वेश्चन है थिंग्स बिच कैन बी कैन नॉट बी बिलीव्ड तो थिंग्स बिच कैन नॉट बी बिलीव्ड इसका आंसर होगा सेवंथ का आंसर है ए इनक्रेडिबल एथ क्वेश्चन देखिए बन बिच कैन नॉट बी सीन तो इसका आंसर होगा इनविजिबल सी नाइन्थ क्वेश्चन देखिए पर्सन बिच स्पीक मैनी लैंग्वेज तो बाईलिंगल में अगर बताऊँ मैं आपको तो बाईलिंग्वल जिसमें दो भाषाएं आती हों और मल्टी जिसमें बहुत ज़्यादा भाषाएं उसको आती हों मैनी लैंग्वेजेस तो मल्टी यानी मैनी इसका आंसर होगा बी टेंथ देखिए अ पर्सन हु हुफाइज हिज लाइफ फॉर अ कॉज तो टेंथ का आंसर होगा सी मार्टे इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए ए जियोमेट्रिकल फिगर विद एट साइड्स तो जियोमेट्रिकल फिगर विद एट साइड क्या होगा वो ऑक्टागन होगा ट्वेल्थ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर तो टेम्परेचर मेजर हम किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं ऑब्वियसली ट्वेल्थ का आंसर होगा ए थर्मोमीटर समथिंग ईजली ब्रोकन जो इजली टूट जाए उसको क्या कहेंगे इसका आंसर होगा सी फ्रेजाइल फोर्टीन क्वेश्चन अ प्लेस फॉर क्लोथ्स तो ए प्लेस फॉर क्लोथ्स इसका होगा वार फिफ्टींथ क्वेश्चन लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन किसी की लाइफ हिस्ट्री जो उसी के ही द्वारा लिखी गई हो कोई अपने बारे में खुद की लाइफ हिस्ट्री खुद लिख रहा है उसको क्या बोलेंगे तो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी सी आंसर होगा सिक्सटीन क्वेश्चन फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस तो कन्फाइंड प्लेसेस का फियर जिनको रहता है उसको क्या बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोविया ठीक है जी सेवनटींथ क्वेश्चन देखिए अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस आर केयर्ड फॉर वाइल्ड देयर पेरेंट्स आर एट वर्क बी एटीन क्वेश्चन अ पर्सन इम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार सी आंसर इसका होगा ओके नाइनटींथ क्वेश्चन बुक that contains information ऑन various सब्जेक्ट्स जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन हो उस बुक को हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं एंसाइक्लोपीडिया अ प्लेस where डेड बॉडीज़ आर कैप्ट फॉर identification तो उस जगह को बोलेंगे मॉक बी आंसर होगा इसका बी ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन अ वुमैन हूज स्पाउस इज डेड तो इसका आंसर होगा विडो ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन अ परसन हू डज़ नाट ईट मीट तो क्या होगा ए है ही बोर वेजिटेरियन नॉन वेजीटेरियन या फिर कार्ली वोर तो इसका आंसर होगा वेजिटेरियन द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग्स वन सेल्फ डी सुसाइड ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन अ परसन हू ट्रेवल्स ऑन फूड तो इसका आंसर होगा पेडिस्थरेन सी आंसर ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन अ होम फॉर चिल्ड्रेन विदाउट पेरेंट्स तो उसे हम क्या कहेंगे ट्वेंटी फिफ्थ का आंसर देखिए बताइए क्या होगा आंसर होगा बी ऑर्फिन ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन सेट इन रोंग टाइम और पीरियड बी एनेक्रॉनिस्टिक ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग कैटेस्ट्रॉफी सी ट्वेंटी एट क्वेश्चन ट्वेंटी एट है इंटीमीडिएशन बाय थ्रेट कॉरिशियन ट्वेंटी नाइन्थ द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोर्स इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफ थर्टी एथ क्वेश्चन अ प्लेस फियर वन लिप्स परमानेंटली डोमिसाइल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ डिसीज विच अटैक मैनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम

थर्टी फोर्थ क्वेश्चन अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियो फाइल सी सॉरी सी थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन वन हु जर्नीज टू अ होली प्लेस पिलग्रिम ए ए इज द राइट आंसर थर्टी सिक्स क्वेश्चन देखिए अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट तो वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन अ गर्मेंट रन बाई अ डिकटेटर बी इज द राइट आंसर थर्टी एट क्वेश्चन दट बिच कैनॉट बी सीन थ्रू तो जो सीन थ्रू नहीं होता उसको क्या कहते हैं इसका आंसर होगा सी ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रिपीटेड क्वेश्चन है ओपेक थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन है अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन द मास आर कोल्ड स्वाम डी फोर्टी एथ क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी बी फोर्टी फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चियन ऑफ अ म्यूजियम तो क्वेश्चनियन ऑफ अ म्यूजियम इज कॉल्ड क्यूरेटर सी आंसर स्लीपिंग रूम्स विद सेवरल बेड्स स्पेशली इन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन तो इसका आंसर होगा ए डॉर्मिट्री डॉर्मिट्री नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक जिसे फॉरेन लैंग्वेजेस आती हो उसे हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन है वन हु कलेक्ट स्टैम्प इसका आंसर होगा बी ओके फोर्टी सिक्स क्वेश्चन पे पहुंच गए हम समथिंग दैट कैन बी कैर ईजिली डी पोर्टेबल एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर ऑब्वियसली थर्मोमीटर और जियोमेट्रिकल फिगर विद एट साइड्स एट साइड्स यानी कि क्या कहेंगे उसको ऑप्टागन लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन है ऑटोबायोग्राफी सी और लास्ट लास्ट क्वेश्चन है फीयर ऑफ कन्फाइंड प्लेसिस तो क्लास्ट्रोफोविया वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद